हेलो फ्रेंड्स, मैं शताब्दी और शताब्दी द किचन में मैं अपने सारे दोस्तों का स्वागत करती हूँ। आज एक हेल्दी चाट लेकर आई हूँ जो आप लोगों को बहुत ज्यादा मजेदार लगेगी। ये है मैंने जो साबुत वाली मूंग दाल होती है उसके स्प्राउट्स निकाल लिए हैं। इस दाल को मैंने एक रात भिगोया था, उसके बाद पानी छान के मैंने फेंक दिया और सफेद कपड़े से कॉटन का कोई भी कपड़ा लेके इसको लपेट के रखा तो इसमें से स्प्राउट निकल आते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी अच्छी लगे तो जरूर लाइक और कमेंट्स कीजिएगा। तो चलते हैं किचन में। तो यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है और जो स्प्राउट्स थे उसको मैंने अच्छे से, देखिए यहाँ पे छान लिया है अच्छे से, और इसको मैंने इसमें बाउल में ले लिया है। मैंने 2 कप जो है मूंग की दाल को भिगोया था और उसी से ये स्प्राउट निकल के आए हैं। इसको और हेल्दी बनाने के लिए यहां मैंने 1 कप जो है प्याज को छोटे छोटे पीसेस में काट के इसमें ऐड किया है। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं, इसके बिना भी चाट बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। इसमें मैंने ऐड किया है 1 कप खीरा, उसे भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था, और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर जो इस चाट के फ्लेवर को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। अब इसके टेस्ट को एकदम बढ़ाने के लिए यहाँ पे मैंने नींबू के जूस का यूज किया है। अगर आप जो है नींबू के जूस को पसंद नहीं करते हैं तो जरूर स्किप कीजिएगा, इसके बदले आप आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन नींबू का जूस जो है सेहत के लिए अच्छा होता है, इसीलिए मैंने चाट में यूज किया है और इसकी एक अच्छी सी खुशबू भी आती है। इसमें ऐड कर देती हूँ 1 छोटा चम्मच काला नमक और थोड़ा सा मैंने व्हाइट नमक भी इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको मैं मिक्स कर लूंगी, अच्छे से मिक्स करना है फ्रेंड्स। इसको आप बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं, या फिर सुबह सुबह मॉर्निंग में बहुत जल्दी मची रहती है तो आप एक एक कटोरी जो है इसको खा सकते हैं। अब इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा मैं हरी मिर्च, अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो हरी मिर्च को स्किप कीजिएगा, उनको देने के बाद आप अपने वाले चाट में हरी मिर्च जरूर डाल लीजिएगा, तभी ये खाने में बहुत ही ज्यादा मजेदार होती है। अब देखिए एक बहुत ही अच्छी चीज डालने वाली हूँ, पका हुआ आम जो आपने पहले कभी इस चाट में नहीं डाला होगा। आम का सीजन है तो क्यों नहीं हम जो है आम डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पके हुए आम भी इसमें मिक्स कर लिया है, आप इसमें थोड़ा सा कच्चा आम भी मिक्स कर सकते हैं जो इसके टेस्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। तो देखिए आज ये जो है मूंग स्प्राउट्स के की चाट जो है बनकर बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स। आप घर पर इसको जरूर बनाइए, सबको पसंद आने वाली है। सबसे बड़ी बात है ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी होती है और बच्चों को बहुत पसंद आएगी अगर आप इस तरह से बनाएंगे। तो चाट एकदम बनकर रेडी है, बहुत ही चटपटी बहुत ही मजेदार बनी है ये चाट। तो फ्रेंड्स चलिए अब मैं सर्व करके थोड़ा सा दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं सर्व कर ले रही हूँ। तो अगर आपको ये वाली रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक कमेंट्स मुझे सपोर्ट करते हुए जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं इस रेसिपी को जरूर शेयर कीजिएगा। जो फ्रेंड्स आज मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स हमेशा खुश रहिए।